एक वक्त में यूपी में आतंक का पर्याय कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी को अब जेल में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी बेखौफ बंदूकों को तानने वाला मुख्तार माफिया से मरीज बन चुका है। आईसीयू में भर्ती मुख्तार का यूरिनल इन्फेक्शन से बुरा हाल है। उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले ही दिनों मुख्तार ने स्नो पॉइजन देने का आरोप भी लगाया था। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हो गई है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती करवाया गया। उसका इलाज आईसीयू में चल रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और जेल प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। दो दिन पहले मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर एक जेलर और दो डिप्टी जेलर सस्पेंड भी किए जा चुके हैं। सरकार की ओर से इस प्रकार के मामले सामने आने के बाद जांच की प्रक्रिया भी शुरू की गई। मुख्तार के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। जेल में बंद मुख्तार पर चल रहे केसों की सुनवाई को तेज किया गया। पिछले दिनों उसके खिलाफ सातवें केस में सजा का ऐलान भी किया गया है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मुख्तार बीते दिनों से यूरिनल इन्फेक्शन से परेशान है। उसे रात में 1 बजे जिला अस्पताल शिफ्ट किया गया था। डॉक्टर्स ने शुरुआती जांच के बाद सर्जरी रिकमेंड की थी, जिसके बाद मुख्तार को सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए आईसीयू में शिफ्ट किया गया। पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि उसे जेल में स्नो पॉइजन दिया गया। 21 मार्च को बाराबंकी एमपी एमएलए कोर्ट में चर्चित एम्बुलेंस केस में मुख्तार की पेशी हुई थी। उसने वकील के माध्यम से कोर्ट में आवेदन दिया था कि 19 मार्च की रात खाने में पॉइजन दिया गया है, इस पर एक्शन लिया जाए और इसी वजह से तबीयत खराब हुई है। मुख्तार ने अपने आवेदन में कहा था कि ऐसा लग रहा है मेरा दम निकल जाएगा, बहुत घबराहट हो रही है, मेरी सही से डॉक्टर्स की टीम बनवाकर इलाज करवा दें। बता दें कि 40 दिन पहले भी मुख्तार ने इसी तरह का आरोप लगाया था कि उसे खाने में स्लो पॉइजन दिया गया है। वहीं बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट ने मुख्तार अंसारी के स्लो पॉइजन देने के आरोपों को खारिज कर दिया है। प्रशासन ने बताया कि पहले एक सिपाही फिर डिप्टी जेलर खाना खाता है, उसके बाद मुख्तार को खाना सर्व किया जाता है। जेल के 900 बंदी भी यही खाना खाते हैं। ऐसे आरोप बेबुनियाद हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सीसीटीवी के साथ साथ सिविल और पीएसी का कड़ा पहरा है, खुद मैं निगरानी करता हूँ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मुख्तार की बिगड़ती तबीयत के पीछे आखिर क्या कारण है? क्या वाकई उसके आरोप सही हैं या उसकी तबीयत अपने आप खराब हो रही है? इस मामले में जो भी अपडेट आएगा लोकमत हिंदी आपको देगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।